अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ोगे। देख लेना, ये आपको बातें साधारण लग रही है लेकिन ये उपासना का रहस्य है। और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, जैसे छोटे बच्चे को माँ। अगर वो सावधानियां पूर्ण नहीं आ पा रहे और ये तीन बातें आ रही तो आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, सब सावधानियां हो और ये ना हो तो विश्वास नहीं कि आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा अपने शरणागत के साथ ऐसे रहता हूँ जैसे एक छोटे बच्चे के साथ माँ। पूज्य श्री गुरु जी ने आज के इस प्रवचन में ऐसी ही कुछ सरल और सुगम पूजा विधि को बताया है, जिसको अपनाने से राधा और कृष्ण हमेशा हर घड़ी आपके साथ रहेंगे और चाहे आप कहीं पर भी हों, आपकी पूजा कभी नहीं छूटेगी। तो जानिए इस सुंदर पूजा विधि को और पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे। उपासना का तात्पर्य अगरबत्ती धूपबत्ती लगाना ही केवल नहीं है, उपासना का तात्पर्य होता है अपने आराध्य देव के नजदीक रहना। उपासन नजदीक रहना, बिल्कुल समीप रहना, हम कभी अकेले न रहे। खतरा है तो आप सोचोगे नहीं कमरे में दो को रखे हैं, ऐसी ये बात नहीं कह रहे। प्रिया प्रीतम को साथ आते चलो, प्रिया लाल भावना कर जा रहे आके सिंहासन में प्रियालाल को भी। हाँ भाई, आप ये नाचे गए अपने प्रियालाल के सामने, आओ प्रियालाल, हमारे प्रियालाल हमारे। कभी अकेले मत रहो। अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ोगे। देख लेना, ये आपको बातें साधारण लग रही है लेकिन ये उपासना का रहस्य है। भी अकेले हर्ष देखो कि प्रियालाल मेरे। आप हो सकता है आप पूरी भावना ही ठोक रहे हो, सत्यता इसमें क्या है कि प्रियालाल हमारे साथ हैं। पहली बात तो हम शरणागत हैं और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, जैसे छोटे बच्चे को माँ। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक रा, भक्तन पाछे यू फिरे जीव बछड़ा संगाए। तो स्वामिनी जो है निज जन वात्सल्य सीमा, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है तो वात्सल्य समुद्र की सीमा। स्वामिनी जी कितना वात्सल्य दुलार करते हैं तो वही हृदय जाने का जो समर्पित है। दासी वत्सला कर इराद, वो कैसे छोड़ सकती है हमें अकेले, वो ना पसंद करती हो तो तर्क कोई करे, मतलब तुम मान रहे हो नहीं तुम्हें पसंद करते। तो पतंग ना पसंद करे, डोरी तो हमारे हाथ में है, जाओ पतंग कहाँ जाएगी। प्रियालाल पतंग है, नाम उनकी डोरी है और गुरुदेव ने वो डोरी बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा दी है। अब बस खींचते जाओ, छाती में आके पतंग लग जाएंगी, नहीं लग जाएगी। नाम जपते रहो, नाम वाणी जहां श्याम श्याम खाली तो नहीं है नाम, ऐसा तो नहीं कि कह दिया आपने कि प्रिया प्रीतम हमारे साथ, कैसे प्रमाण दो प्रिया प्रीतम कैसे। नाम वाणी जहां श्याम श्याम तहां, नाम की डोरी में प्रियालाल बंधे हुए। और दूसरी बात, अगर नाम भी जप नहीं चल रहा तो मैं उनका हूं ना, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। तो आप ये समझ लो कि अगर आप सोचते हैं उनके सिवा हमारा कोई नहीं तो वो भी सोचते हैं कि आपके सिवा उनका कोई नहीं। जय बिल्कुल अच्छे से समझ लो, आप जैसा सोचोगे वैसे ही वो सोचेंगे। बेपरवाह हो जाओ, ऐसे लाड़िले ठाकुर यही है सब रूपों में, पर ऐसा लाड़िला स्वरूप और ऐसा उदार स्वरूप, ये तो एक स्वर में किसी भी महात्मा जो थोड़ा वृंदावन रस को महारानी जी के उदारता से तो भरा हुआ है, सब कोई मानते हैं। नित्य बिहार नित्य केली की बात नहीं जानते, पर उदारता की बात तो सब जानते हैं महारानी जी को। राधा नाम की उदारता, राधा ये थोड़ी कि पहली बार हो रहा है, अनादिकाल से महात्मा जन इसी यश का गान करते हुए इसी रस का पान करते हुए निकुंज में पहुंचे। ये कोई नई रस रीति थोड़ी है कि आपको हम नई बात बता रहे हैं, राधा नाम की महिमा, राधा रूप की महिमा, प्रिया प्रीत, ये तो सनातन उपासना है। तो यहां वृंदावन की, बाहर की सनातन उपासना अलग है, अलग अलग, लेकिन ये जो वृंदावन महल है या तो महारानी और लालजू की सनातन, बस यहां जो भी कग मृग पशु पंछी ऋषि महात्मा सब इन्हीं की सेवकाई के लिए महल है,
कौन कुछ भी बोले, पर हमारे भाव से ही देखना है, वाणियों के भाव से ही। खूब सत्संग सुनो, आनंदित रहो, पर हृदय में ये बात बैठा लो कि प्रियालाल हमारे साधन है, प्रियालाल ही हमारे साध्य है। इनका नाम, इनकी लीला गायन, इनकी सेवा, ये हमारा जीवन है और यही हमारी सिद्धावस्था है। साधन में प्रीति हो जाना सिद्धावस्था का स्वरूप आ जाना है, उसके बिना जिया ना जाए। साधक पकड़ता है और सिद्ध रसा स्वादन करता है, उसमें डूबता है। तो डूबना तभी होता है जब मात्र बुद्धि हो जाए। हमारी मात्र बुद्धि बस इतने में, नाम, लीला गायन, सेवा, जिसे कल चर्चा में। अब नाम में कैसे बन के नाम जप करना है, कैसी सावधानियां रखनी, वो होती रहती चर्चा गीता जी के श्लोकों के अनुसार। सेवा में कैसी, वो चर्चा होती। अगर वो सावधानियां पूर्ण नहीं आ पा रही और ये तीन बातें आ रही कि नाम जपना है, लीला गायन करना, जैसे बने वैसे सेवा करनी, तो आप ठिकाने पर पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, सब सावधानियां हो और ये ना हो तो विश्वास नहीं कि आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे। बस अंदर से देख लो आप महारानी जी की ठसक में हो कि नहीं, बस ये हमें चाहिए खास बात। वो अपने आप आपसे साधना ऐसी करवा लेंगी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इनको बैठे बैठे आप, तो हमसे क्या दुश्मनी थी, हमको वो पद क्यों नहीं दिया। आपको प्रमाणित कर देंगे कि ये पद के योग्य है, वो बना देंगी ऐसा, वो ऐसे आपसे सेवा करवा लेंगी, वो ऐसी आपको चतुरता दे देंगी कि सामने से कोई ये ही नहीं कह सकता कि अनाधिकारी को श्री जी ने रख लिया। ऐसा नहीं, क्योंकि एक रेखा है, उसको क्रॉस करते ही सब अधिकारी हो जाते हैं। तुम्हें इन बात पर विश्वास होना चाहिए। अपने कर्तापन से जो मिलेगा बहुत थोड़ा होगा, इनके होने से जो मिलेगा अघा जाओगे। अब कृतिकृत्य भयो में पायो परम विश्राम। और कर्तत्वाभिमान, ये बात समझने यही आएगी समझ में, चाहे जितनी साधना कर लो, बात जब समझ में आएगी तो यही आएगी जो कह रहे हैं, यही आ जाओगे। अभी मान लो तो दौड़ना नहीं पड़ेगा उतना पीछे, बस नाम, वाणी और सेवकाई। अब हमारी जितनी चेष्टाएं वो सब सेवकाई, दो विभाग करके सेवकाई करने वाला चल नहीं पाएगा। ध्यान रखना, श्री जी की सेवा अलग, जन की सेवा मतलब लोगों की सेवा। इसी विभाग में गृहस्थ भाव वाले परेशान है, अरे बाबा जी तो ठीक चलेगा, लेकिन हमारा पत्नी के अनुकूल तुम चलो, पुत्र के अनुकूल चलो, माता पिता के अनुकूल चलो, धर्म के अनुकूल चलो, और ये अनुकूलता श्री जी के लिए कर दो, हो गई साधना। पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन सभी प्रभु भक्तों के लिए बहुत लाभकारी है। उम्मीद है आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और इसका शुभ फल प्राप्त करेंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं। और राधे राधे लिखना मत भूलना। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।